बिग बॉस 15 का सीजन अगले महीने से ऑन एयर होने वाला है। जंगल में संकट थीम को लेकर फैंस के बीच काफी एक्साइटमेंट है। गुरुवार को बिग बॉस का लॉन्च इवेंट हुआ, जिसे सलमान खान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अटेंड किया। इस दौरान सलमान खान ने मेकर्स से उनकी फीस को बढ़ाने की अपील की। वैसे हर साल सलमान खान मस्ती मजाक में मेकर्स से अपनी फीस बढ़ाने की बात कर ही लेते हैं। सलमान खान ने कहा, मैं मेकर्स से कहता रहता हूँ कि शो के लिए काफी मेहनत करता हूँ, उन्हें इसे समझना चाहिए और मेरा पे स्केल बढ़ाना चाहिए, लेकिन वो है कि सुनते ही नहीं। मैं तो भगवान से बस यही दुआ करता हूँ कि वो समय आए जब चैनल मुझे कहे कि सलमान तुम्हारी फीस बढ़ा रहे हैं, तब मैं उन्हें कहूँ कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ही रहने दो। सलमान खान ने फीस बढ़ाने की वजह बताते हुए कहा कि उनके घर पर भी बड़े बुजुर्ग और बच्चे हैं, उन्हें उनकी डिमांड का ख्याल रखना पड़ता है। खबरों के मुताबिक सलमान खान को बिग बॉस 15 के लिए 14 हफ्तों के 350 करोड़ मिल रहे हैं। सलमान खान के मुताबिक सीजन 15 इस बार 5 महीनों तक चल सकता है। बिग बॉस के होस्ट सलमान खान पिछले एक दशक से देश के सबसे बड़े रियलिटी शो को होस्ट कर रहे हैं। वो सबसे कंट्रोवर्शियल शो के 11वें सीजन को होस्ट कर चुके हैं। बिग बॉस सीजन 15 उनका 12वां सीजन होगा, जिसे दबंग खान होस्ट करेंगे। हर साल अटकलें होती हैं कि सलमान खान शो के लिए तगड़ी फीस लेते हैं। तकरीबन 350 या 400 करोड़ का आंकड़ा सुनने को मिलता है। अब ये आंकड़े रियल आंकड़ों से कितने कम और कितने ज्यादा हैं, ये तो सलमान खान ही बेहतर जानते होंगे। बिग बॉस 15 को देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और डेली न्यूज यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।